भोजपुरी कलाकारों को नवाजा जा रहा है आज अवार्ड। सबसे पहले तो सबको बधाई और सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि एक साल जिसने काम किया है और जब उसको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो बड़ा गर्व महसूस होता है उसे भी, और बहुत ही मतलब उसको एक अंदर से उसका जो मनोबल है वो बढ़ता है। और इसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा विनोद गुप्ता जी का, जो मतलब पिछले 10-12 सालों से ये अवार्ड कराते हुए आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो जेन्युइन तरीके से समझते हैं, परखते हैं और फिर चीज़ों को करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज इस अवार्ड में जितनी भी कैटेगरीज है और जिसको भी अवार्ड मिलेगा उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो हमें खबर मिली कि आपको भी अवार्ड मिलने जा रहा है, तो कितनी बात सच्चाई है? नहीं, ये गलत बात है कि क्योंकि मेरी फिल्म जो है वो इस साल नॉमिनेशन में नहीं है, इंशाल्लाह अगले साल में होगी, क्योंकि वो 2016 में रिलीज़ हुई है और आज जो अवार्ड फंक्शन हो रहा है वो 2015 में जो फिल्में रिलीज़ हुई है उसका हो रहा है। तो मेरी फिल्म जो है वो इंशाल्लाह अगले साल जो है वो नॉमिनेशन रहेगा, और ऊपर वाले से दुआ भी रहेगी कि काफ़ी अवार्ड बटोरे वो। इसके अलावा आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप बता सकते? अभी नाम तो नहीं फाइनल किया है, लेकिन दो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, और एक राहुल कपूर जी का है और दूसरा एक राहुल कपूर जी के थ्रू से प्रेजेंटेशन में एक फिल्म है, ये दोनों पे काम चल रहा है, लेकिन अभी बहुत अर्ली है क्योंकि अभी 1-1.5 महीने बाद ही उसका खुलासा कर पाएंगे। मोस्ट